दोस्तों, क्या आपके घर में भी इस तरह का लकड़ी का गेट है तो जिसे आप बारिश के पानी से बचाना चाहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी लकड़ी का गेट है और ये भी लकड़ी का गेट है। तो इन दोनों गेटों को बारिश से बचाने के लिए, बारिश के पानी से बचाने के लिए हम ये शेड बनाया हमने छोटा सा। तो ये यहाँ पे ऊपर की साइड में ऐसे लग जाएगा और इस गेट को बचाएगा। और मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ, ये शेड कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, करंट की व्यवस्था नहीं है, सरकारी क्वार्टर है। यहाँ पे 5 शेड हमें लगाने हैं और ये हमारी कोर्डलेस ड्रिल आईबेल की, तो इस मशीन से हम ये सारा काम करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये शेड फिटिंग होता है। फ्रेम तो आप बना ही लोगे स्क्वायर पाइप से, चौरस पाइप का दोस्तों फ्रेम है, आप देख सकते हैं ये फ्रेम है। ये 1 इंच स्क्वायर पाइप, 6 किलो वाली पाइप का फ्रेम बनाया। और ये जो है इसमें 2 होल डाले हैं, इधर से 1 इंच पे, इधर से 1 इंच पे और इधर से 3 इंच पे। तो आपको ये पूरा ये 45 डिग्री में कटिंग करके यहाँ पे वेल्डिंग किया, ऊपर से ग्राइंडर कर दिया, नीचे ग्राइंडर मारने की जरूरत नहीं है। इसको राइट एंगल में नहीं लगाना है, इसको आउट करके लगाना है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ से ये देखें आउट लगा हुआ है। तो ये ढलान में रहेगा, ढलान में रहेगा तो पानी आके आके गिरेगा। अगर स्लांट नहीं रहेगा तो फिर पानी ऊपर ही ठहर जाएगा, फाइबर शीट जल्दी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों इसी बारे में पूरी बात करेंगे। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं एवरी संडे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, एवरी संडे रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल SS फाइबर ग्लास पे लाइव आता हूँ। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें यह फ्रेम बना लेना, और फ्रेम में ये फाइबर ग्लास शीट है ग्रीन कलर की, ये शीट को इसे इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। और इसका ध्यान रखना है क्योंकि इस साइड दीवार है ना, इस साइड दीवार है, तो ये साइड पूरी टच कर देनी है फ्रेम के साथ, ओवर नहीं होनी चाहिए शीट इस साइड से। इस साइड पे ये वाली जो साइड है इधर शीट ओवर है फ्रेम से, तो पीछे की साइड में शीट को बिल्कुल पूरा पूरा रखना है, बिल्कुल भी ओवर नहीं करना है पीछे, नहीं तो फ्रेम हमारा दीवार के साथ टच नहीं होगा। ये हमारे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू और ये हमारी कोर्डलेस ड्रिल मशीन। सबसे पहले हमें फाइबर ग्लास शीट लगा देनी है इस पे। इसी ड्रिल मशीन से हम स्क्रू भी मारेंगे, इसी ड्रिल मशीन से हम होल भी डालेंगे। हमारे पास करंट का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे फिलहाल। दोस्तों ऊपर सेट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको नीचे रख लिया, यहाँ पे बढ़िया आराम से स्क्रू लग जाएंगे। तो लगभग आपको 10-10 इंच पे स्क्रू लगाने हैं। तो दोस्तों सारे स्क्रू लग चुके हैं, अभी ड्रिल मशीन जो है इसका ये बिट चेंज कर देंगे। हमारे पास ये 10mm की ड्रिल बिट है दीवार में होल डालने की, और यहाँ पे लगेगी, ये लग गई। और यहाँ से ड्रिल मशीन का हमर पे कर देंगे। अभी ये हमर पे हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हमर का, अभी इसको हमने हमर पे कर लिया। और थोड़ा सा यहाँ से कटिंग कर देंगे हल्का सा, जिससे कि सुंदर दिखेगा, गोलाई गोलाई में कटिंग ये। अगर इसका प्राइस जानना चाहते हैं कितने रुपए में बनेगा तो वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं प्राइस, वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल इसको फिटिंग करने का तरीका बता रहा हूं। हमारा फ्रेम रेडी। अभी ऐसा है, ये चीज का ध्यान रखना है, गेट जब खुलता है तो गेट यहां तक आता है, तो इससे ऊपर ऊपर एडजस्ट करना है, कहीं ऐसा ना हो आप फिटिंग कर दो और गेट भिड़ता रह जाए, मुसीबत हो जाए, तो वो चीज नहीं करनी है। फिलहाल गेट को बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास फास्टनर्स हैं 10mm के, 12 रुपए का एक आता है मार्केट में, और ये पिन इसके अंदर लगती है बाद में जब ये फिट हो जाता है, तो मैं ये भी आपको लगा के दिखाऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों मजबूती के लिए हमने इसमें यहाँ पे एक इधर L नक्का लगा दिया है, यहाँ पे भी होल डालेंगे तो यहाँ पे भी नट लगेगा फास्ट।
तो दोस्तों ये हमने सेट कर लिया है और इसमें अभी होल डालेंगे यहाँ पे। तो फासनर लग गया, अभी इसमें पिन डाल दिया है और ये ठोक भी दिया मैंने। तो दोस्तों ये तो हो गया, एक होल डाल दिया है और अभी नीचे से देखना है कि बराबर है, बस यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है नीचे से। तो यहाँ पे दो होल डालने हैं और दो फासनर मारने हैं। तो ये दूसरा फास्टनर, यहाँ पे वैसे 3 इंच फास्टनर होते तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि 3 इंच से ज्यादा होल नहीं हो रहा। हमर ड्रिल से जरूर हो जाता, लेकिन हमारी जो कोर्डलेस ड्रिल मशीन है इससे इतना ही होल हो पा रहा है। वैसे तो इतने में भी नहीं हिल रहा है, ये इतने से भी बहुत मजबूत हो गया, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी मजबूती करेंगे। अगर आपके पास प्लास या चाबी हो तो इसे टाइट ओवर कर दें ठोकने के बाद, तो ये अंदर जाके फैल जाता है फास्टनर। अब इसका बाहर आने का कोई चांस नहीं, अगर हमसे भी गलती से गलत लग जाए तो इसे काटना ही पड़ेगा, बाहर नहीं आता ये पिन। जब लग जाती है उसके बाद ये बाहर नहीं आता। तो हमने 3 फास्टनर तो लगा दिए, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसकी बजाय यहाँ पर लगाएंगे। हमने स्पेयर के लिए रखा था, ऐसे ही एक्स्ट्रा सुराख मार दिया था एक। दोस्तों हमारा शेड बिल्कुल तैयार है। अब इससे फायदा ये है कि बारिश में इस गेट के ऊपर पानी नहीं पड़ेगा, थोड़ा साइज और बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइज भी चल सकता है, इससे बड़ा साइज भी आप रख सकते हैं, आगे की तरफ 4 फीट भी रख सकते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट ये 8 फीट है, ये इसका साइज है 2x8 फीट, 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 800 रुपये का हुआ। अगर ऐसे राउंड में आएगा, गोलाई में आएगा, तो वो ऊपर आप ऊपर फोटो देख सकते हैं, आपको इस साइड में दिखाई दे रही होगी। तो अगर वो होगा तो वो 120 रुपये स्क्वायर फीट। और ये ड्रिल मशीन जिससे हम काम कर रहे हैं, इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने कर रखा, आईबेल की कोर्डलेस ड्रिल मशीन है, लगभग 6000 रुपये की अमेजन से मैंने खरीदी थी 6 महीने पहले, बढ़िया चल रही है। इसका कंप्लीट रिव्यू ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, इस साइड होगा आई बटन तो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एवरी संडे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।